हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी इंस्टाग्राम रील्स में अपना वीडियो बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के रील्स में हम अपना खुद का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम रील्स पे हम वीडियो कैसे अपना खुद का बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम में एक नया फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम रील्स करके। इसमें आप शॉर्ट वीडियो जो है उसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे ये जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और सबसे ऊपर ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम रील्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आपके इंस्टाग्राम में ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखने लग जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे वीडियोज वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वीडियो बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में ये कैमरा का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे कैमरा खुल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे ये जो स्विच का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक का सबसे पहले तो ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफी सारे म्यूजिक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं, जो भी आप खोजेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए कोई सा एक यहाँ पे म्यूजिक हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे ये एक म्यूजिक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं म्यूजिक यहाँ पे प्ले हो गया है। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट हो गया है, ऊपर में डन पे क्लिक कर देना है और अब यहाँ पे इसमें जो म्यूजिक है वो अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और अब आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं ये अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसे रिकॉर्ड होने देते हैं और जब भी आपका रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद वापस से अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो रिकॉर्डिंग है वो अब यहाँ पे पॉज हो गया है, ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे मैंने म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो स्लो मोशन वगैरह बहुत सारे फीचर है, स्लो मोशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, काफ़ी सारे फिल्टर दिए हुए हैं, देख सकते हैं बहुत सारे फिल्टर हैं, तो आप अलग अलग फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे टाइमर वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो गया है। तो यहाँ पे ये जो तीर का बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो हमारा प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी लगाना चाहते हैं, जैसे ऊपर में देख सकते हैं ये एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चीज़ें दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप कुछ भी स्टिकर्स वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ज्ञान ट्यूब लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं कितना बड़ा आपको करना है और नीचे फॉन्ट दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फॉन्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, तो जैसे मुझे ये फॉन्ट इस्तेमाल करना है। अब ऊपर में आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक ब्लैक बन जाता है। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और चेंज करने के बाद इसे अलाइन कर सकते हैं ऊपर नीचे जहाँ भी आपको इसे रखना है। तो मैं नीचे रख देता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे ये जो बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हमें पोस्ट करने के लिए आ गया है। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैं माई न्यू वीडियो यहाँ पे मैंने कर दिया, ऑल्सो शेयर टू फीड, अगर आप फीड पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे ही रहने देना है टिक पे। उसके बाद बस नीचे शेयर का जो बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये अब अपलोड होना शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं ऊपर में ये अपलोडिंग हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं। और ये अपलोड होने के बाद कहाँ पे जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड फिनिश हो गया है। अब ये वीडियो आपको कहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, देख सकते हैं नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो का सेक्शन बन जाता है इसमें, और इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको
वो वीडियो रील्स वाले जितने भी वीडियो होंगे वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो चलिए इस पे हम क्लिक करके इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं काफी बढ़िया वीडियो यहाँ पे हमारा बन के आ गया है। तो इसी तरह से आप जो है इंस्टाग्राम के रील्स पे अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं।